अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दुआ है कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, खैरियत से रहें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ हलाल में इजाफा करे, आप सबके दस्तरखान को वसी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टू। ज़्यादातर मटन में, बीफ में भी बनता है, लेकिन मैं आज चिकन से बना रही हूँ। तो चलें देख लेते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कैसे हम बनाएंगे। आपको बताती भी जाऊंगी और स्पाइस ऐड भी करती जाऊंगी। ठीक है, पॉट लिया है, इसमें मैंने हाफ कप से कम ऑयल डाला है। मैं कुछ होली स्पाइस डालूंगी, जिसमें दो बे लीव है, दो सिनेमन स्टिक है 1-1 इंच का, और एक बड़ी इलायची है, और 4-5 क्लोव हैं, दो छोटी इलायची है, और कुछ जो है ब्लैक पेपर है, काली मिर्च, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और थोड़ा सा इसको खुशबू आने लगेगा तो मैं इसमें अनियन मैंने कट करके रखा है, ये 3 मीडियम साइज़ की अनियन है मेरे पास, ये इसी में मैं ऐड कर दूंगी। खुशबू आने लगी है अब तो मैं इसमें अनियन ऐड कर दूंगी। स्टू में अनियन थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। अगर 500 ग्राम आपके पास गोश है या चिकन है कुछ भी, तो आप उसमें 300 ग्राम के करीब आप अनियन ऐड कर सकते हैं। इसका कलर चेंज होगा तो इसमें और चीज़ें ऐड करूँगी। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन। चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जिंजर गार्लिक ऐड करूँगी। अभी पहले चिकन को ऐसे फ्राई करती हूँ, थोड़ा फ्राई हो गई है चिकन भी, तो अब इसमें ये जिंजर है 1 टेबल स्पून और ये गार्लिक है 1 टेबल स्पून। दोनों को मैंने मोटा मोटा क्रश किया हुआ है, इसके साथ भी थोड़ा सा भून लेती हूँ जिंजर गार्लिक के साथ। इसके साथ कुछ और भी मसाले हैं, वो भी ऐड करूँगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कि देखिए मैंने लिया है ये 5 अदद मैंने रेड चिली लिया था, साबित लंबी वाली। आपके पास अगर बटन रेड चिली है यानी कि गोल वाली, तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास ये वाली थी, मैंने ये वाली ली। इसको मैंने हाफ हाफ बीच से कर लिया। और ये कुटा हुआ जीरा है, सफ़ेद जीरा कुटा हुआ 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टेबल स्पून क्रश धनिया है, मैंने धनिया है इसको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया। और 1 टीस्पून मेरे पास है ये ब्लैक पेपर, इसे भी मैंने मोटा मोटा क्रश किया। और ये कलर के लिए मैंने हल्दी ली, टर्मरिक पाउडर, ये सिर्फ कलर के लिए मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। फ्लेम जो है वो मेरा फ्लेम, इस वक्त फ्लेम मैंने मीडियम लो रखा हुआ है ताकि मसाले जले नहीं और थोड़ा सा भून जाए। 3 अदद मेरे पास टमाटर है बड़े साइज़ के, इसको कट कर लिया और इसके साथ थोड़ा सा भून लेती हूँ। फ्लेम जो है मीडियम है और इसमें अब थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी। ठीक है, 1/2 कप के बराबर। और इसको ढक देती हूँ ताकि ये, अभी मैंने पानी डाला है लेकिन अभी इसमें से जो गोश्त में पानी है, चिकन में पानी है, वो रिलीज़ होगा। फिर हमें टमाटर का पानी है वो भी निकलेगा, तो पानी हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने 1/2 कप पानी डाला है ताकि ये अच्छे से पकना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसको ढक देती हूँ ताकि ये पकना स्टार्ट हो जाए अच्छे से। और पकना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका फ्लेम थोड़ा सा मैं लो कर दूँगी और तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने दूँगी। उसके बाद फिर मैं खोल के इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ। इसको 5 मिनट हो गया पकते हुए, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए इसको पकते हुए 5 मिनट हो गया। इसको ओपन करती हूँ मैं, थोड़ा इसमें पानी है अभी, तो अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये जो है ना
जब हम प्याज इतनी ज़्यादा अनियन ऐड करते हैं इसकी वजह से ये इसमें थोड़ा सा मिठास होती है, इस वाले स्टू में थोड़ी सी मिठास होती है। या फिर आप थोड़ा सा कच्चे और पक्के जो टमाटर होते हैं ग्रीन, तो वो ऐड करें। मेरे पास फुल पके हुए थे, बिल्कुल रेड वाले टमाटर थे, तो मैं इसमें दो अदद यानी कि सूखी खटाई, तो इसको मैंने धो लिया अच्छे से। धोने के बाद ये इसमें दो अदद ये ऐड कर दूँगी, इससे थोड़ा सा हल्का सा खटास आ जाएगा, मतलब मीठा मीठा सालन नहीं लगेगा। आप डाल के देखें, आपको थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगेगा। ये थोड़ी देर मैं और पकाती हूँ, अभी थोड़ी देर और पकेगा क्योंकि अभी चिकन थोड़ा सा और इसमें टेंडर हो जाए और मैंने जो खटाई डाली है उसकी खटास भी सब में शामिल हो जाए। ये ऐड करूँगी और इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं। ताकि ये थोड़ा सा पके और थोड़ा सा टेंडर भी हो जाए और जो मैंने खटाई डाली है उसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए। क्योंकि ये सूखी हुई होती है, ड्राई बिल्कुल होती है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। मैंने थोड़ी देर पहले इसको भिगो दिया था, थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन थोड़ा पकेगा तो इसमें और सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको अब मैं ढक देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। इसमें कुछ चीज़ें अभी और भी ऐड करना है मुझे। ये ग्रीन चिली है, मैंने छोटी वाली ली है, ये 5 अदद ग्रीन चिली है जिसे मैंने बीच से स्लाइड कर लिया है, बीच से कट कर लिया है, और इसको ऐड कर देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। और ये हरी धनिया है, 1/4 टीस्पून के बराबर गरम मसाला है, ये भी मैं ऐड कर दूँगी और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। स्टू है, स्टू इसी तरह बनता है, ड्राई ड्राई होता है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं भी थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, गरम पानी ऐड करूँगी, लेकिन अभी मैंने इसमें ग्रीन चिली डाला है, थोड़ा सा उसका फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा जो हरी धनिया डाला है सिलेंट्रो, इसका भी थोड़ा सा फ्लेवर अच्छे से आ जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। ये देखें, 2 मिनट हो गया इसको पकते हुए। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ अच्छे से मिक्स करके, अब डिश आउट कर लेती हूँ। आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी रेसिपी, बहुत अच्छी है। आप इसमें अगर आप जैसे जिस तरह से मैंने डाला है, ऐड किया है खटाई, सूखी खटाई, आप भी ऐड करेंगे तो इसका जायका बिल्कुल आपको चेंज लगेगा, थोड़ा सा बहुत अच्छा जायका आपको लगेगा इसको खटाई ऐड करने के बाद। वैसे तो आपने स्टू बहुत बनाया होगा, हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है। ये देखिए दोस्तों, चिकन स्टू मैंने बिल्कुल डिश आउट कर लिया, बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने मटन स्टू या बीफ स्टू तो ज़रूर बनाया होगा, आज चिकन स्टू भी बना के देखें, ट्राई करके देखें, आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।